तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इंट्रो तो मैं भूल ही गया। तो जी हाँ भाई और बहनों, पर फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल माइनक्राफ्ट। अरे मैं हर बार माइनक्राफ्ट की बोल देता हूँ। तो जी हाँ भाई और बहनों, पर फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गेमिंग वर्ल्ड में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डांसिंग फ्लोर आप कैसे बना सकते हैं, वो भी माइनक्राफ्ट में। तो यहाँ से बैकग्राउंड में फटाखों की आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि यह दिवाली है। तो सबसे पहले आपको सामान चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ डांसिंग फ्लोर बनाने के लिए। उसके लिए रेड स्टोन डस्ट ऑब्जर्वर, ये रेड स्टोन कंपैक्टर नहीं चाहिए आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। रेड स्टोन रिपीटर, अरे रेड स्टोन कंपैक्टर आपको चाहिए और रेड स्टोन रिपीटर आपको नहीं चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। रुको, मैं ऐसे इसको गायब ही कर देता हूँ। रुको, ये होगा रेड स्टोन कंपैक्टर, ये रेड स्टोन लैम्प, रेड स्टोन टॉर्च भी आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए होपर और कोई भी एक ग्रास का ब्लॉक, मतलब कुछ भी आप कूड़ा ले लेना, यहाँ से आप उठा लेना। तो कोई भी एक ज़्यादा मत डाल देना, क्योंकि वो नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले उसका आपको प्रीव्यू दे देता हूँ। कहाँ गए, सॉरी गाइस, थोड़ी सी लेट हो रही होगी, क्योंकि यार हमारे पास में गोकुलधाम सोसाइटी है इसीलिए। तो ये रहा हमारा कुछ डांसिंग फ्लोर, सॉरी गाइस लेग हो रही हो तो। तो ये रहा कुछ डांसिंग फ्लोर हमारा, ये देखो ये है डांसिंग फ्लोर, ऐसा बनेगा। और मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता देने वाला हूँ, वो है ऑटोमेटिक डोर। जी हाँ गाइस, तो सबसे पहले मैं ये बनाता हूँ, मैं छोटा सा ही बनेगा। सबसे पहले आपको होपर लेना है और यहाँ पे आपको देखो क्राउच होना है, ऐसे लगाना है, देखो ये लग गया, यहाँ पहले लग गया, फिर इस तरीके से ऐसे करना है। और देखो आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे जो एक ऊपर का पाइप होता है वो यहाँ पे आता है, इसको हम तोड़ देंगे और जो पाइप है इसको इसकी साइड क्राउच होके फिर से यहीं पे ऐसे लगाएंगे। ये देखना आप, फिर यहाँ से हम ऐसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे हम। अरे हो जा, अरे हो जा, सॉरी गाइस। यहाँ पे आपको आ जाएगा, अरे मतलब के मेरे को भी पहले नहीं आता था, अब आ गया है मुझे भी। ये क्या हो रहा है यार, हो जाना, बहुत लेग कर रहा है, तगड़ा वाला हो जा, क्या हो रहा है। मैं इसको ओ गाइस यहाँ पर प्लेस हो रहा है, यहाँ पर भी प्लेस हो रहा, वो क्यों नहीं रहा यार, मतलब कि किया है। तो यहाँ पे एक बार ऐसे, अरे हो जा, कितनी बार बोलू। रुको गाइस, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके आता हूँ। तो मैं यहाँ पर लगाने की एक और बार ट्राई करता हूँ, प्लीज़ यार लग जाना। ये देखो यार क्या मुसीबत, लग गया लग गया, ये देखो ऐसा करके ये लग गया है यहाँ पर। और अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहीं आपको नहीं आएगा, यही करना जी होपर का आपको सर्कल करना है, और अब यहाँ पर नहीं होंगे यार, क्या मुसीबत है। हो जा, मतलब कि यार कुछ भी, क्या हो रहा है, बहुत लेप कर, हो गया हो गया हो गया लेप, ऐसे हुआ, ऐसे किसको करने को बोला था, ऐसे करना है। ये देखो ये अब हो गया है, ये फाइनली अब भोपर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अरे मतलब क्या लेग कर रहा है। रुको गाइस, मैं थोड़ा सा उसको बंद करके आता हूँ, वो डांसिंग फ्लोर को। तो मैं उसको बंद करके आ गया हूँ, उसके उससे लिए ही ये हो रहा था, अब ये नहीं हो गया। तो आपको कैसे बनाना वो मैं एक और भाई यहाँ पे बता देगा आपको। सबसे पहले ऐसे करना है, फिर यहाँ पे क्राउच होकर ऐसे करना है, फिर यहाँ पे आपको इसको ऐसे तोड़ देना है और इसके इस साइड वाले से यहाँ आपको करना है, फिर यहाँ से भी इसको यहाँ पे ऐसे करना है। अरे मतलब क्या कुछ भी, ये फिर से हो रहा है,
और यहाँ पे एक और बार करना है, तो ये हो चुका है। इसके अंदर आप कुछ भी अब सामान डालोगे तो ये एकदम से सर्कल वो होता रहेगा। अब आपको क्या करना है, आपको रेडस्टोन कॉम्पैक्टर लेना है और इसके एक साइड ऐसे करके सिंपल से लगा देना है। और अब आपको बारी है ऑब्जर्वर की, मैं छोटा सा बनाऊंगा, आप कितना सा भी बना सकते। आपको देखो ऐसा लगाना है, जो एरो है ना वो इस तरफ आए ऐसा करना है आपको। अरे ऐसा देखो, मैं ऐसा करना है आपको। अरे देखो मैं इतना सा अब करता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसके से भी एरो आपको कितना भी बड़ा आप इसे कर सकते हो। मैं देखो इतना सा बड़ा करूँगा सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वरना टाइम बहुत लग जाएंगे बड़ा करूँगा तो। और यहाँ पे देखो, और सॉरी गाइस मैं अभी अभी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। अरे मैं डालूँगा, रेगुलरली डालूँगा आप गाइस, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे आपको ऐसे कर लेना है, देखो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो ये रेडस्टोन कॉम्पैक्टर वाला, देखो सीधे सीधा यहाँ पे एरो था और उस एरो को मैंने यहाँ पर ऐसे लगाया, वो आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या, फिर से ऑब्जर्वर रहना है और ये जो अपना ये जो है ना लाल वाला, उसको ऊपर की साइड यहाँ पे आपको रखना है। तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आपको लगा देना है। गैस आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बिल्कुल बस आपको एक बार आ जाए ना ये तो, ये बहुत इजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार बस आ जाना चाहिए, पहले मुझे भी नहीं आता था ये। अरे क्या है, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे भी लगा देता हूँ। अरे यार कौन फटाके फोड़ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे में लगा देता हूँ। अरे ये क्या है, हो जाना, तो मैं यहाँ पे ऐसा करके आता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रेडस्टोन लैंप है उसको ऐसे करके लगा देना है, और यहाँ पे ऐसे करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और लगाने के बाद ही मैं आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पे लगा देना है, और अब आपको देखो इसके अंदर 64 नहीं, कोई एक ही डालना है, 64 आप मत डालना। मैं यहाँ पे एक ही सिर्फ डाल रहा हूँ, अब देखो। अरे मैंने ये क्या खोल दिया, तो मैं यहाँ से बाहर निकल के आता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ डालूँगा, वो है ये डर्ट ब्लॉक, वो एक ही है, तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने डाला तो ये ऑन हो चुका है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप समझ रहे होंगे कि मैं बार बार वीडियो को क्यों काट रहा हूँ, वो इसीलिए कि यहाँ पे बहुत फटाके फोड़ रहे हैं, क्या इतनी उतावल है इसको। अब दिवाली में अभी देर है यार, तो यहाँ पे देखो यार ये बन गया डांसिंग फ्लोर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑटोमेटिक डोर आप कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए सामान चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रेडस्टोन, ये रेडस्टोन लाइट, ये स्टिकी पिस्टन, और कोई सा भी वुडन प्रेशर प्लेट, आप ध्यान रखना कोई भी मेटल का नहीं वुडन का, ग्रास ब्लॉक, और कोई सा भी यहाँ पे ग्लास ले लेना है। फिर यहाँ पे आपको ऐसे करके देखो खड्डे करने हैं। अरे यार कौन बम फोड़ रहा है, यहाँ पे ऐसे करके देखो आपको करना है। यहाँ पे दो मैंने कर दिए हैं, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे देखो, यहाँ पे आपको आना है बीच में से ऐसे करके, सॉरी गाइस लेग हो रही होगी, ऐसे करना है फिर से दो, और अब आपको एक करना है। अरे लेग हो रहा है, मैं उसको वापस से बंद करके आता हूँ। तो आपको दूसरी साइड भी वो ही चीज़ आपको करनी है, यहाँ पे आपको दो करना है, और यहाँ पर भी आपको दो करना है। मुझे पता नहीं शायद से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यार फिर से आप देख लो। यहाँ पे आपको ऐसे करके रेडस्टोन लगा देना है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रेडस्टोन ऐसे, और यहाँ पे दो लगाना है, और यहाँ पे दो आपको लगा देना है रेडस्टोन, फिर उसके ऊपर आपको लगा देनी है रेडस्टोन लाइट,
और इसके ऊपर आपको लगा देना है डॉट ब्लॉक, और यहाँ पर भी मैं डॉट ब्लॉक लगा देता हूँ। अब इसको आप बंद कर लो, इसका अभी कोई काम नहीं है हमको, तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर लेता हूँ। तो इसको बंद करने के बाद आपको स्टिकी पिस्टन लेना है, और स्टिकी पिस्टन लेने के बाद एक पिस्टन यहाँ पे और ये खुल जाएगा, और एक पिस्टन यहाँ पे। और सॉरी गाइस, ये पिस्टन से पहले आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे जो ये जो दो ब्लॉक है उसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा रेड स्टोन ब्लॉक, मतलब रेड स्टोन डस्ट। और यहाँ पे अब आपको ये कौन फोड़ रहा है यार, मतलब कुछ भी। और इसके ऊपर फिर से ये पिस्टन, यार इतना बमबारी कौन करता है, बहुत ही लोग बदमाश है हमारी गली वाले। और यहाँ पे पिस्टन मैंने लगा दिया है, अब आपको ग्लास चाहिए, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है ग्लास और ये पिस्टन। तो यहाँ पे अब आपको लगा देनी है वुडन की प्रेशर प्लेट, और यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो ये अपना दरवाज़ा खुल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, देखो अब जैसे ही यहाँ पे आओगे ये खुल जाएगा, और यहाँ पे आप बंद भी कर सकते हो। अब चले जाने के बाद ये बंद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, अगर इस वीडियो में आपका मजा आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय। और गाइस मैं आपको साउंड आउट भी नहीं दे सकता, और अब से मैं रेगुलर वीडियो भी लाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब ने मेरी नोटिफिकेशन बंद कर दी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इतने दिनों से जो है वो मैं मतलब कोई वीडियो नहीं डाल रहा था। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, टिल एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। Oh, oh, oh.